जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मायापुर में गुड्डी कटे टायर है वैसे बेकार मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर को अगर एक एक बार बताओ क्या नाम है स्विफ्ट डिजायर है, ये कम से कम 7.5-8 लाख रुपए की है। हाँ। ये 600 रुपए का टेल लेना है तो 600 रुपए वाला टेल मिलेगा ना कस्टमर जैसा पैसा। हाँ, ये भी है भाई, एक ये थोड़ा सा पसंद आया है। टायर बिल्कुल पांचों नए हैं, पांचों व्हील थार के लिए, क्योंकि भाई अलवर डलवाने से पहले सबके दिमाग में एक नया ख्याल आता है कि भाई वो मायापुर ही जाए और मायापुर से अलवर सस्ते रेट में पड़ जाते हैं। 20 इंच कितने मिल जाता है टायर समेत, रिम भी और टायर समेत भी? टायर समेत 55,000 रुपए। 20 इंच? 20 इंच, 1 साल की वारंटी के साथ। 1 साल की वारंटी के साथ टायर की, 1 साल की वारंटी है, रिम की लाइफ टाइम। टायर समेत 25,000 रुपए थार के टायर, पांचों पांचों टायर, पांचों वाला है 25,000 के टायर। यार हम तो यार बहुत गलती आ गए आज ना, आज के दिन इधर टायर समेत 90,000 रुपए में 22 इंची। भाई 16 का मन बनाया तो 16 में ये डिजाइन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब पूरी लाइन 16 क्या? ये 16 में बता रहा हूँ, एक ये 16। Hey guys, welcome back to my new vlog। तो भाई आज हम जा रहे हैं, जैसे आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा, तो भाई आज हम जा रहे हैं मायापुरी। तो बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज वगैरह आ रहे थे मेरे को कि तरुण भाई मायापुरी के अलॉय व्हील्स वगैरह दिखाओ और थोड़े बम्पर वगैरह टेल लाइट्स वगैरह वाली शॉप दिखाओ। तो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं थोड़ा सा फ्री था तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे लिए आज भाई मायापुरी चलते हैं, मैं भी देखूंगा आप सभी को भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या रेट में मिल रहे हैं, अगर सही रेट में मिल रहे हैं सस्ते रेट में मिल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा कि मार्केट का एक्चुअल प्राइस क्या है और मायापुरी का क्या प्राइस है, ठीक है? तो वो भी बताऊंगा, पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है। अगर किसी को भी मायापुरी जाना है तो भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहने वाला है मायापुरी रहने वाला है, और डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा जो भी है एड्रेस वगैरह लोकेशन वगैरह जो भी है। पर भाई कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, कहीं आप सोचो कि अलॉय व्हील्स वगैरह की वैसे स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा चलो ऐसे चलते हैं आज मौज मस्ती में, देख के आते हैं आपको भी दिखाएंगे क्या क्या चीजें मिलती है, सेकंड हैंड सनरूफ वगैरह क्या रेट में मिलती है, बम्पर गेट्स वगैरह, जैसे किसी भाई की गाड़ी के गेट वगैरह गल रहे हो या कुछ भी चाहिए, मतलब वहाँ ना भाई गाड़ी के इतने से लेके पार्ट तक और इंजन विंजन सब मिलता है, मतलब छोटे से लेके बड़ी बड़ी चीजें वहाँ पर मिल जाती हैं, प्रॉपर मतलब स्क्रैप मार्केट रहने वाली है। तो वहीं चल रहे हैं पूछते ही, और भाई अलॉय की दुकान चालू हो चुकी है, ये रखे अलॉय, तो अभी पूछते रेट वगैरह, स्नेक वाले डिजाइन भी इन पे, तो रेट वगैरह लेते हैं इनसे। तो भाई अभी वो वाला इन्होंने भाई व्हील दिखाया जो उधर रखा है, ये वाला बिल्कुल एंड वाला वो सिल्वर सा जिसपे राउंड राउंड सा, तो वो है 15 इंच, वो इन्होंने बताया भाई मुझे 17,000 रुपये का अलॉय वाले ओनली। तो मेरे हिसाब से तो भाई यार महंगा, बहुत महंगा, 20,000-22,000 रुपये में तो नया रिम आता है बिल्कुल नया का नया करोल बाग से, और ये थोड़ा सा भाई यूज्ड वगैरह हो सकता है या कैसे कुछ भी भगवान जाने। यार मेरे को लग रहा है कि आज भाई मायापुरी बंद रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब बंद पड़ी हैं दुकानें, कुछ पता नहीं चल रहा है। अंकल से पूछते हैं, अंकल संडे मार्केट बंद रहती है क्या पूरी गाड़ी वाड़ी की सबकी? ये खाली धुलेंगे, एक ही है 15 इंच में, ये वाला हो गया भाई 15 इंच में, अपने तो वो लग रहे हैं, और ये वाला कुछ नया नहीं है क्या? ठीक है, और कुछ नया? कितने कितने इंच तक है तुम्हारे पास? 13 इंच, 13 से लेके 20 इंच, 20 इंच कितने मिल जाता है? तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है भाई caraccessoriesstore.net। तो भाई लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो बताता हूँ कि भाई किसी भी भाई को अगर हेडलाइट की दिक्कत है, परेशानी है बल्ब की, मतलब कि आपकी जो कंपनी फिटेड लाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उजाला नहीं दे पा रही है रोड पे बढ़िया तरीके से, तो उन्हीं लाइट को अपग्रेड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया LEDs अपने लिए चूज़ कर सकते हो, जिनको आप इजिली इंस्टॉल भी कर सकते हो खुद ही, तो घर बैठे भी आप इजिली मंगा सकते हो, हर तरीके की आपको LED लाइट्स मिल जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग, और पेमेंट ऑप्शन भी अपने यार बहुत सारे मिल जाएंगे, EMI का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कि आसान किस्तों पर आप भाई LED लाइट्स वगैरह या बेसिक जो एसेसरीज होती है कार की जो भी आपको चाहिए सब A to Z मिल जाएगी। बात करते हैं, बहुत सी कार ऐसी होती है जिनमें भाई फोग लैंप भी यूजफुल नहीं होते, तो फोग लैंप भी आप अपग्रेड कर सकते हो, GTR के अपने फोग लैंप मिल जाएंगे, iPatch मिल जाएगा, जीवा का प्रोजेक्टर मिल जाएगा आपको, वो सारे आपको इसी वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे, जिसको भी ऑर्डर करना हो इजीली कर सकते हो। बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स वगैरह भी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह जो कि भाई ओरिजिनल होता है मारुति सुजुकी का, जैसे कि अपने टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग,
मतलब कि जितने भी जिसकी कार बेस मॉडल है उसको टॉप भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको एसेसरीज वगैरह सारी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके भाई क्लिक करें और ऑर्डर करें और आसान किस्तों पे आप अपनी कार को भाई मॉडिफाइड करा सकते हैं। टायर समेत रिम भी और टायर समेत भी 20 इंच एक साल की वारंटी के साथ, टायर की एक साल की वारंटी है, रिम की लाइफ टाइम। तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि भाई मायापुरी में गुड्डी कटे टायर है वैसे बेकार मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर को अगर एक एक बार बताओ क्या नाम है स्विफ्ट डिजायर है, ये कम से कम 7.5-8 लाख रुपए की है। हाँ। ये 600 रुपए का टेल लेना है तो 600 रुपए वाला टेल मिलेगा ना कस्टमर जैसा पैसा। हाँ, ये भी है भाई कि अगर किसी को 500 वाली चीज चाहिए तो ये वाले शायद बर्फ के टायर रहते हैं, कौन से रहते हैं बर्फ वाले, जापान का टायर होता है, ये कम से कम आपका 35,000 चल जाता है, इनकी 6 महीने की गारंटी देते हैं। इसका कुछ इलाज विलाज है या सब चल जाएगा? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलाते रहो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाते रहो। तो भाई भाई तो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बदलवाना चाहिए नहीं बदलवाना चाहिए? बदलवाना नहीं चाहिए, अगर ये है बाई चांस अगर हवा निकले कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगे तो चेंज करो। हवा हवा तो निकल रही और कैसे लगा, ये अभी भी आपको कम से कम 35,000 चल जाएगा। तो भाई मेरे हिसाब से चाइनीज टायर बहुत अच्छे चल रहे, क्योंकि मेरे से पहले MRF के थे वो 1-1.5 साल ही चलते थे बस और पूरे घिस जाते थे। हाँ ये तो पूरी मार्केट बंद करवा रहा है तुमने आज? संडे ना भाई, संडे को बंद रहती है, बंद रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आज तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। हंस तो दो एक बार भाई। वाह, तो भाई का गोडाउन में जा रहे हैं, टायर का पूरा गोडाउन है। कितने कितने से कितने? अबे ये तो बहुत बड़े बड़े टायर रखे हैं, ट्रकों के भी टायर बिकते हैं ना यहाँ पर। अच्छा जी, तो संडे बंद रहती है बस ये जी। तो भाई मैं तो शायद दूसरा कैंडा निकालने के बाहर कैंडा तो नहीं है, प्रोफाइल दिखाओ। ओ बेटे नो प्रोफाइल कटा हुआ है, क्या चीज ऊपर ही भरा नहीं जान, ट्यूबलेस खोले मैंने, आपको होगा फिट करा के चेक करा के जब देखना। भाई कैंडा नहीं है, मैं तो एक झटके में पहचान दिया था, कहाँ लिख रहा है कैंडा, दूसरा भी सेम ही है। हाँ दोनों सेम है, वी शेप की है। क्या रेट दोगे इसे? दोनों एक का क्या रेट है दोनों को बता दो। दोनों ले आओ 3500 रुपए के दे दूंगा। दोनों 3500 में? हाँ जी। और एक 1700-1750 जैसे लग रहा है। हाँ। कैंडा का टायर भी चाहिए और इससे कुछ तगड़ा हो, इसे लो इसे, है कुछ तगड़ा, ये तगड़े लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे यार मैं सोचा तुम पे कुछ मिल जाएगा कुछ बढ़िया सा बेहतर, ये डाल लो फिर इससे हटके तो यही डलेगा बेबी ऐसे ही। अरे रेंज में ऐसे मोटे मोटे पसंद नहीं, मुझे चाहिए बड़ा साइज दिखने में अच्छा लगे, बड़ा तो बड़े मजा है। इससे बढ़िया तो कोई सेट ही नहीं, ऊपर ही नहीं है, पता करो कहीं भी बाकी आपकी चॉइस जो अलग। ये कितना है? ये तो 18 वो 20 है। 20 क्या रेट है? 55,000 रुपए का टायर टायर समेत। कितने से स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे पास अलग वाले? कितने से स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे पास अलग? हमारे तो सब रेंज के भैया, 10,000 से स्टार्ट है, हर रेंज का है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा आप मांगो वैसी है। तो ये 15 में तुम्हारे पास ये थे ऊपर वाले कौन से? 15 में ऊपर वाले। सो गाइस यार हम तो यार बहुत गलती आ गए आज ना, आज के दिन इधर कुछ है ही नहीं, बड़े बड़े टायर रखे हैं, छोटे छोटे टायर रखे हैं, पर अपनी जो काम की चीज़ है वही नहीं मिल रही, तो भाई क्या फ़ायदा। तो भाई मैं तो तुम्हें आज बहुत सारी चीज़ बढ़िया बढ़िया दिखाने वाला था, पर यहाँ तो पोपटी हो गया दिमाग ख़राब। तो उस दिन भाई ये वाली गली यार पूरी भरी रहती हैं, पूरी खाली हैं, अलोए अलोए खुली हुई है अलोए। भाई अगर देखा जाए रेट के हिसाब से तो भाई कुछ ज़्यादा सही नहीं है, पर यहाँ नेगोशिएबल आप करोगे ना तो अच्छा रेट मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ आ रहे हो ना भाई तुम रेट घटाओ जितना घटा सकते हो, तुम्हें लगे ना चाहे भाई इतने में जीरो, मतलब कि कम से कम जितना हो सके उतना करोगे वो सही रहेगा। और अब एक और दुकान मिल गई है, अब इन पे पूछते हैं इन पे क्या रेट मिलेंगे टायर वगैरह, और फिर देखते हैं टायर अलॉय कोई 15 में नया हो या कैसे ही पूछ लूँ यहीं से। 15 में है कुछ नया? 15 में तो भाई यहाँ पर भी हमें नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे हैं। कुछ क्या ढूंढना चाह रहे हो? सबसे हटके
है कुछ? ये थार वार के कितने के मिल जाते तुम्हारे पास? थार के खाली रिम या टायर समेत? दोनों ही बता दो। टायर समेत लोगे तो भाई आपको 65,000 रुपए पड़ेंगे चारों। थार के चारों टायर? टायर टायर के साथ नए जैसे टायर होंगे, नए जैसे रिम होंगे। और अगर रिम रिम ले तो कोई थार के 25,000 पाँचों? पाँचों ने चार चार मिलेंगे। हाँ चार आते हैं, चार नहीं यार आते तो पाँच है उसमें। हमारे पास जितना अच्छा पाँचों हमारे पास नहीं है तो पाँच पाँच मेरी बात ही नहीं। तो तुम दिखाओ 15 कोई है तो तुम कह रहे हो तगड़ा 15 देखो पूरा। कौन सा? ये वाला? ये वाला जी। ये क्या रेट है? ये दे देंगे आपको खाली रिम रिम चाहिए आपको? अपने रिम दोगे? नहीं मैं अपने रिम नहीं दूंगा। दोगे ये दे देंगे आपको 17,000 रुपये। 17,000 रुपये के? और कुछ नहीं होगा, लाइफ टाइम की गारंटी होगी इनकी अपनी। और जैसे थोड़े से गंदे गंदे से हुए पड़े वो साफ करा देंगे। हल्के कहने पे हमने भाई 16 का मन बनाया तो 16 में ये डिजाइन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब पूरी लाइन 16 क्या? ये 16 मैं बता रहा हूं ना, एक ये 16, एक ये 16, एक ये 16, एक ये का 16। हां हां ये 16, सारे 16 इंच। भाई ये 16 इंच है, क्रेटा ग्रेजा ये सब में लेंगे। अच्छा 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 ये एफडब्ल्यू भी 16 है। ये वाला ये भी है, ये भी 16 है, ये भी 16 या है। तुम पे 16 में ऐसा हो जैसे इसमें एक सीडी चढ़ी हुई है ना। हाँ। ये ना चढ़ी हो, बिल्कुल सिंपल प्लेन। हाँ प्लेन मुश्किल है वो भी नहीं है। भाई भाई ने दिखाया 15 इंच में ये वाला, एक वो वाला और बस 15 में ये तो थोड़ा सा अलग है। क्या रेट पड़ेगा ये वाला? कुछ नहीं दूंगा बस रिम रिम का ऐसे ही। और टायर समेत? टायर तुमसे ही लूँ तो लो प्रोफाइल टायर नहीं होगा, ये मोटे में होगा। तो भाई एक ये वाला अलॉय भी रखा है भाई के पास। ये कितना है? 22 22 का क्या रेट है? 22 का रेट मिल जाएगा भाई। कौन सा वाला लोगे? आला लोगे? आला लोगे? दोनों का बताओ। ये पड़ेगी भाई आपको 185 की। 185? हाँ। टायर समेत? कंपनी में लेने जाओगे तो आपको ये तीन तीन कुछ का पड़ेगा आपको। टायर बिल्कुल पाँचों नए हैं, पाँचों व्हील थार के लिए। और ये वाला? ये आपको पड़ जाएगा आपको 90,000 रुपए की चारों स्टक में, ये चार बस। और टायर अलग से? टायर टायर समेत 90,000 रुपए में 22 इंची। जब आ चुके हैं नेक्स्ट एक और दुकान पे तो अब भाई लास्ट दुकान है, अब और किसी पता नहीं करूंगा मैं। भाई पूरी मार्केट घूम घाम के एक ये थोड़ा सा पसंद आया है पर अभी देखते हैं। इधर तो ऐसे बहुत छोटा सा लग रहा है। 15 ही है ना भाई ये? और कोई भी है 15 में? दिखाओगे एक बार? तो भाई भाई के पास पूरी पूरी रेंज है ये। अरे ये नहीं, ये डिजाइन आपको पसंद है तो तुम समझ गए होगे मेरा टेस्ट कैसा है। एक बस 15 इंच नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये कितने? 20 है ये वाले? 20 ये वाला है। ये क्या रेट है? 22 22 से 135,000 क्रोम विथ टायर के साथ चारों पाँचों पाँच का भाई पूरा सेट है। और ये सारे 20 ही 20 लगे हुए नीचे। और थार का क्या रेट है? थार तो बहुत सस्ता है, टायर समेत 25,000। टायर समेत 25,000 रुपये थार के? टायर पाँचों टायर पाँचों वाला है, 25,000 के टायर। तो वह भाई कैसे भाई ठीक है ना वो? अरे भाई भाई MRF का टायर दे रहे हैं भाई 25,000 रुपये में, और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे? 22,000 रुपये का तो भाई हमें रिम रिम दे रहे हैं यहाँ तो टायर समेत मिल रहा है पूरा। तो भाई अभी वो थोड़ा सा देखते हैं। मल्टी स्पोक वैसे मेरे को पसंद नहीं है, कुछ पाँच वाँच में कुछ नया होता तो वो देखते। लास्ट क्या लगा दोगे फाइनल उसका? 19। भाई इस वाले भाई ने थार के अलॉय के रेट तो सही दिए थे पर भाई टायर घिसे हुए थे तो उस हिसाब से ठीक ठीक थे। ओके ओके तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सका मैंने तुम्हें इसमें अलॉय वलॉय जितने थे रेट वेट पता करके वो तुम्हें दिखा दिए बता दिए। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इतने के यार नए आ जाएंगे, तुम डब्बा पैक करोल बॉक्स से डलवा सकते हो मेरे हिसाब से। वैसे अगर बार्गेनिंग करोगे तो बार्गेनिंग में और थोड़ा नीचे आ जाए, पर इधर ना सारे जितने मैंने देखे सारे पुराने डिजाइन थे पुराने। अगर किसी को कुछ हटके नया करवाना है तो उसके लिए तो भाई मायापुरी नहीं है, उसके लिए तुम कुछ और देख सकते हो कोई और मार्केट, जैसे करोल बाग या ब्रांड न्यू अगर किसी को डलवाने हैं तो भाई मैं तो प्रेफर करूँगा यहाँ से तो मत लो फिर। अगर तुम पैसा खर्च करना चाहते हो और कुछ यूनिक करना चाहते हो तो यहाँ से तो फिर बेकार है, यहाँ तुम्हें वो वाला मज़ा नहीं आएगा।
जो तुम सोच रहे होगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना जो चल चुके होते हैं ना अलॉय मार्केट, जिनकी मतलब कि जैसे ट्रेंड होता है, जैसे मेरे वाला ये डिजाइन हो गया, अब इसका बस कुछ दिन तक समय रहेगा, उसके बाद कुछ नया आ जाएगा, तो फिर ये भी मतलब पुराना डिजाइन हो जाएगा। तो वैसे ही, तो जैसे अब वो स्टार वाला नहीं चलता, दो डंडी वाला वो हो गया, तो भाई वो अब इधर बहुत सस्ते रेट मिल रहा है। पहले जब चला था, जब यहाँ पर मायापुरी में नहीं था, तो फिलहाल भाई संडे को अगर आ रहे हो तो भाई मत आओ मेरे हिसाब से। भाई अलॉय तो यार मेरे हिसाब से यहाँ से जो लेना चाहता है, इच्छुक है, तो भाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अलॉय डलवाने से पहले सबके दिमाग में एक नए ख्याल आता है कि भाई वो मायापुरी जाए और मायापुरी से अलॉय सस्ते रेट में पड़ जाते हैं। तो यार सस्ते रेट के अगर मानो तो ऐसा यार कुछ भी नहीं है। अगर ओल्ड डिजाइन लोगे तो आप उनको नया भी लोगे तो वो भी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर, कई बार भाई मैंने जैसा सुना है, मैं हर किसी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी को टारगेट कर रहा, जितने मैंने दिखाए हैं, तो मोस्टली भाई कहते हैं कि बंदे टूटे हुए अलॉय मिलते हैं, क्रैक बैंड हुए, उनको सीधा करके पेंट करके बेचते हैं। तो वही अब भगवान जाने। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ से भी ले रहे हो देख के लो, मैं ये नहीं कहता नहीं बहुत अच्छे होते हैं वो, तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि भाई जो भी ले रहे हो देख के लो, बस चाहे अलॉय लो या कुछ भी चीज़ें लो। और मेरा अगर कहना, अगर तुम मेरी उसे चाहोगे तो मैं, मेरा जो दिल कहता है, तो भाई डब्बा पैक अलॉय लो, चिंता फ्री। क्योंकि देखो अलॉय टायर का मामला है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहता, यहाँ पर भी अच्छे मिलते हैं, नो डाउट यहाँ पर भी बहुत अच्छे अलॉय मिल जाते हैं, पर ढूंढना पड़ता है। अगर कोई नया बंदा है, नॉलेज नहीं है, तो भाई वो तो कटेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मेरा मन था आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाना, जैसे कि मैंने भाई अपनी कार की सीट चेंज कराई हुई है, तो आप भी ऑटोमेटिक सीट लगा सकते हो स्विफ्ट वगैरह या वैसी और कारों में, तो वो किसी दिन और दिखाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लेते हैं, लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।